सपनों के शहर मुंबई में मनराज ग्रुप पेश करता है मनराज व्यू, जो शहर के बीचों बीच एक घर खरीदने का मौका दे रहा है। आपके बजट के अनुकूल शानदार 1 BHK और 10 मंजिला टॉवर और कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए, और यह सब उपलब्ध है कुर्ला अंधेरी रोड, साकिनाका मेट्रो स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक। मनराज व्यू में घर होना यानी आराम और सुविधा का पूरा आनंद। जल्दी करें, अनुकूल बजट में ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए। पीएम आवास योजना और लोन सुविधा भी उपलब्ध, शर्तें लागू। सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की एक और साजिश को नाकाम किया है। जम्मू कश्मीर के पूंछ में घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। आज तड़के ये आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहा था। आतंकवादी को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन उसने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में आतंकी मारा गया। बता दें कि इस साल फरवरी के महीने में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर एग्रीमेंट के बाद यह LOC पर पहली घुसपैठ की कोशिश थी। फिलहाल इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना इस बात की तस्दीक कर लेना चाहती है कि मारे गए इस आतंकी के साथ कोई दूसरा आतंकी तो नहीं था। मारे गए आतंकी के पास से AK-47 राइफल भी बरामद हुई है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक कार्यक्रम में पाकिस्तान को उसकी नापाक हरकतों के लिए चेतावनी दी थी। इसके साथ ही उन्होंने भारत के बहादुर जवानों का हौसला भी बढ़ाया। उन्होंने कहा कि जब से भारत आज़ाद हुआ है, कई भारत विरोधी ताकतों की यह लगातार कोशिश रही है कि या तो सीमाओं पर या फिर सीमाओं के रास्ते से भारत के भीतर अस्थिरता का माहौल बनाया जाए। पाकिस्तान की जमीन से इसके लिए बड़े पैमाने पर लगातार कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि आज भारत आतंकवाद के खिलाफ देश की सीमाओं के भीतर तो कार्रवाई कर ही रहा है, साथ ही ज़रूरत पड़ने पर सीमा पार जाकर भी आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट करने का काम हमारी सेना के बहादुर जवानों ने किया है। DRV न्यूज़ के लिए राहुल पांडे की रिपोर्ट।